नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हरी भरी बगिया में। आज हम आपको बताएंगे कि रबर प्लांट को घना और अच्छा कैसे बनाएं। ये मेरा रबर प्लांट है। कुछ दिन पहले मैं इसे नर्सरी से लेके आई थी, तो ये बहुत कमज़ोर सा पौधा था और इसमें ना यहाँ से पत्ते निकल रहे थे, नीचे कोई पत्ता नहीं था इसमें। तो मैंने 15-20 दिन पहले, ये नोट दिख रही है ना आपको, तो मैंने इसके थोड़ा सा ऊपर से इसको कट कर दिया। और कट करने के बाद देखिए आप, ये न्यू ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। एक ये है, एक ये छोटी सी, ये देखिए, एक यहाँ से भी, इसमें से यहाँ से भी एक निकलने वाला है। ये देखिए, यहाँ से पत्ते के पास से। तो अब आप देख ही रहे हैं इसमें से न्यू ग्रोथ हो रही है। तो अब ये नीचे से घना होएगा, अब नीचे से घना होता चला जाएगा। देखिए, मैं अपना पुराने वाला रबर प्लांट दिखाऊंगी आपको, जिसमें मैंने कम से कम 1-1.5 महीने पहले कटिंग की थी। ये नोट दिख रही है आपको, यहाँ से इसका इसके ऊपर से मैंने ये कटिंग की थी इसकी, और इसमें से यहाँ से स्टेम निकल रही है और यहाँ से इसमें 2 स्टेम निकले। और देखिए, इस पर नए नए न्यू पत्ते आ रहे हैं, इसमें ग्रोथ हो रही है कितनी। अब ये पूरा भर के आ रहा है। अब ये देखो कितना अच्छा सुंदर हो रहा है, इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और अब ये पूरा ऐसे ही भर जाएगा, बहुत ही सुंदर हो के आएगा। अब ये इंडोर प्लांट है, इसे भरपूर रोशनी तो चाहिए, लेकिन इसे डायरेक्ट सनलाइट में मत रखना, वरना ये जल जाएगा। देखिए, मैंने अपना ये प्लांट एक दिन भूल गई थी इसे, तो ये यहाँ से जल गया, इसका पत्ता जल गया यहाँ से भी ख़राब हो रखा है थोड़ा। अब हम बात करेंगे इसकी सोयल की। इसकी सोयल ऐसी होनी चाहिए कि इसमें से पानी तुरंत निकल जाए, इसमें पानी ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा पानी इसकी रुकेंगी तो इसकी जड़ गल जाएंगी। इसे ज़्यादा पानी की, जल्दी पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब ये ऐसे इसकी मिट्टी सूख जाए, जब 1-1.5 इंच तक जब इसकी मिट्टी सूख जाए, तब इसमें आप पानी डालिए और इसकी गुड़ाई करते रहिए। 15 दिन में एक बार इसकी गुड़ाई आप ज़रूर करिए, इससे इसकी जड़ों को हवा मिलती है और इसकी जड़ मजबूत होती है। और अब बात करते हैं हम इसमें खाद की। तो 2-2.5 महीने में आप इसमें खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। मैं तो इसमें गोबर की खाद भी डाल देती हूँ, तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।